नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस का कहर निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 86,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 86,961 नए मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 54 लाख को पार कर 54,87,580 हो गया। वहीं इस दौरान 1,130 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 87,882 हो गई है। वहीं विश्व भर में भी कोरोना वायरस ने काफी कहर मचाया हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना से 3,09,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो गए हैं और 9.59 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंग्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोरोना से अब तक 3,09,29,163 लोग संक्रमित हुए हैं और 9,59,528 लोगों की मौत हुई है। वैश्विक महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 67,99,266 पर पहुंच गई है और अब तक 1,99,474 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार ने सोमवार को कहा कि गैर सरकारी संगठनों एनजीओ में विदेशी अनुदान की राशि को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन का विधेयक किसी धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत के मूल विचार को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को रोकने एवं विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा का उत्तर देते हुए यह स्पष्टीकरण दिया। सदन ने विपक्ष के संशोधन प्रस्तावों को नामंजूर करके विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में सोमवार शाम घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स RR, जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवानों ने आतंकवादियों की मौजूदगी के गुप्त सूचना के बाद चरार ए शरीफ में एक संयुक्त अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल जब एक विशेष क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे थे तो वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाई। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के आसपास किसी भी तरह के प्रदर्शन को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में सोमवार तड़के एक बहुमंजिला इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। इस बीच ठाणे जिले के प्रभारी मंत्री एकनाथ शिंदे हादसे के कुछ घंटों के भीतर ही घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मलबे के नीचे फंसे 13 लोगों को बचा लिया जाने की पुष्टि की और उनमें से कुछ को अस्पताल भेजे जाने की जानकारी दी। शिंदे ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा करते हुए कहा कि घटना की विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने NDRF के चल रहे बचाव कार्यों की निगरानी करते हुए बताया कि भिवंडी के पावरलूम शहर में कुल 102 खतरनाक इमारतों को पहले ही खाली कर दिया गया है। भिवंडी पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे ने बताया कि नागरिक अधिकारियों की शिकायत के आधार पर भवन के मालिक सैयद अहमद जिलानी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अमेरिका ओपन में आपा खोकर बीच में ही बाहर होने के 2 सप्ताह बाद दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को इटालियन ओपन सेमीफाइनल में भी चेतावनी दी गई। जोकोविच को कैस्पर रूट के खिलाफ 7.5 6.3 से मिली जीत के बीच चेतावनी दी गई, जब दूसरे सेट के तीसरे गेम में चेयर अंपायर से उनकी तीखी बहस हो गई थी। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।